हमने जो दलितों के लिए काम किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य बीमा योजना है, ग्राम ज्योति योजना है, फ्री कनेक्शन की योजना, ऐसे बहुत सारे जनधन खाते हैं। ये आम गरीब आदमी जो दलित और वंचित तबके से आता है, उसके लिए इस सरकार ने बड़े काम किए हैं। और निश्चित रूप से जो हम काम किए हैं वो उनके बीचों में जाना चाहिए, प्रचार का माध्यम बनना चाहिए। और उसी के क्रम में हमने और भी जो दलितों और शोषितों के लिए काम किए हैं उनको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए निश्चित रूप से जो उनका इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो उनका पढ़ा लिखा तबका है, उसको कन्विंस करना और उसको ये बताना कि हमने ये किया है, और उसके माध्यम से उसको नीचे तक उसके चर्चा के पॉइंट को ले जाना एक बड़ा इशू। 2019 के लोकसभा चुनाव में फतह के लिए बीजेपी नेतृत्व जातीय गोलबंदी को दुरुस्त करने पर जुटा हुआ है। अभी पिछले महीने पिछड़ों को लेकर बड़े स्तर पर जातिवार सम्मेलन किए गए, तो अब बीजेपी नेतृत्व दलितों को जोड़ने के लिए पार्टी से प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। यह सम्मेलन क्षेत्रीय स्तर पर किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रेसिडेंट महेंद्र पांडे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा शिरकत करेंगे। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी।